है ना गोविंद घाट का स्टेशन था पुराना वाला, तो वहाँ से ये वाली रोड आया करती थी। तो अब जा करके ना फिर रौनक कहाँ मार्केट गई में ही भाई पहुंच आजकल चुके हैं। बता यहाँ रहे। पे ज्यादा भीड़ भाड़ है नहीं। अब ये देखो कैसे बैठ रखा है पूरे बाजार का मैं गाड़ी से पूरा व्यू ले रहा हूँ। भाई, ये क्या है? ओ भाई, घर पहुंच चुके हैं, घर पे बैठे इतने सारे मेहमान। अभी कैरम किसी से खेल रहे बोलिए, हैं, जरूर बोलिए। इसकी शॉट देखते ही। हेलो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, आपका स्वागत है मेरे गांव पुलना से। और खूबसूरत व्यू अभी हो रखा है, धूप जस्ट अभी आई है। तो भाई थोड़े काम पे बिजी थे, काम कर रहे थे, अभी काम करना है, फिर खेलने जाएंगे कैरम। घर पे चल रही इनकी मस्त। इनकी हरकत देखो भाई, कहाँ चल रखे हैं। दोस्तों लंच हो गया, सब कुछ हो गया, अब चलते हैं। आज से हमारा नया एंटरटेनमेंट का एक गेम आ चुका है, कैरम, जो कि दुकान में ही था तो ऊपर बाहर पे रख दिया है। देखो अभी सारे खेल रहे हैं, तो चलते हैं, थोड़ा टाइम पास भी हो जाएगा, गेम भी खेल लेते हैं। तो यहाँ शॉर्टकट से जा रहा हूँ बहुत दिनों बाद। पहले मैं इस पिछले साल तक किसी रास्ते से अप डाउन रोज करता था, क्योंकि बाइक मैं ऊपर लगाता था दुकान पे, क्योंकि उस टाइम ये वाली पार्किंग बनी नहीं थी। अब ये बन गई तो बाइक वहीं रहती है, तो वहीं से मैं गाँव से घर आता हूँ। तो चलो आज यहाँ से भी जाना हो जाएगा। खेतों के बीचों बीच तो आज धूप भी बढ़िया है भाई, यहाँ से कुछ ऐसा दिखता है गाँव। यहाँ पे बढ़िया सी धूप में देखो कैरम भी लग चुका है बहुत दिनों बाद। तब कैरम किसी से खेल रहे बोलिए, हैं, जरूर बोलिए। इसकी शॉट देखते ही। भयंकर प्लेयर है भाई यहाँ का। ये देखो भाई कैसे कटिंग, देखो इसकी, ये भी जाएगा। वो अंशुल की शॉट दिखाऊंगा मैं एक एक करके। तब इसकी शॉट दिखाता हूँ मैं, सीधी गोटी टकरा टकरा के डाल रहा है। तुम डबल खेले इसी थोड़ी टीम को, टीम टीम और टीम ये दिया कि लगन से नहीं है प्रॉब्लम। चल बाबा ना भाई, कैरम खेल के हाथों का हाल ये हो जाता है। देखो पूरा जो बोरिक पाउडर है, जो कि भाई चूहे मारने की दवाई रहती है, उस पाउडर को यूज़ करते हैं बोर्ड में डालने के लिए, ताकि फिसलन अच्छी हो। तो देखो पूरा हाथों का ऐसा हो जाता है। कालू कहाँ है? तभी खाना खाने जा रहे हैं, फिर थोड़ी देर में आ जाएंगे भाई खेलने के लिए। बढ़िया है, टाइम पास होना चाहिए, नहीं तो क्या करे क्या करे हो जाता है। यहाँ पे बिल्लियों को डराने आ रहा है, चूहे की आवाज़ निकाल रहा मोबाइल पे। यहाँ पे कौन चला मोबाइल? अच्छा यहाँ पे रखा है ना मोबाइल, चूहे की आवाज़, और यहाँ पे ये सोच रहे हो क्या रहा। यही के यहाँ से ढूंढ रहा कि कहाँ है चूहा बोल के। हाँ भाई लग गई भूख खेल करने के बाद, हैं लग गई तेज, बहुत ज्यादा तेज। रोना सुरोगे, इनको लग गई भूख खेल करके, यहीं पे बैठे रहेंगे जब तक खाना ना मिल जाए। तो जी आज बनी है कौन सी दाल, क्या बनाई आज? तो बनी है कड़ी की, कड़ी बन रखी है भाई आज। साथ में नारंगी हो, नींबू भी हो तो मज़ा आ जाएगा। नींबू भी चाहिए? नींबू भी चाहिए। तो भाई इनको भी खिला दिया खाना, खाओ। पकड़ने के चक्कर में, ये देखो इसको चक्कर आ गए।
छोड़ दे, अब छोड़ दे। तो ये देखो इसको नचा दिया आज। ये भाई तो अभी हाथ से लाग रहे हैं। तो भाई अपना तो हो गया है लंच और अखिलेश का भी हो गया है लंच। हो गया ना, मैं स्वेटर पहनता हूँ। हाँ तो स्वेटर पहन के अभी हम फिर, नहीं तो यार दो चार दिनों से ऐसा होता था कि हम दिन में सो जाते थे। अभी है कि दिन में सोएंगे नहीं, जाएंगे ऊपर कैरम खेलेंगे, फिर कुछ देर बाद क्रिकेट खेलना शुरू करेंगे, क्योंकि फिर बॉडी भी गर्म रहेगी तो अच्छा रहेगा फिर। तो भाई अभी तो जाना था खेल करने, कैरम खेलने, पर अभी इधर जा रहे हैं। पता नहीं किस का कुछ काम है तो गाड़ी लेके आ रखा है वो, तो चलो घूमना फिरना भी हो जाएगा थोड़ा, गोविंद घाट के भी ऊपर दर्शन करके नज़ारों का आनंद ले करके फिर आ जाएंगे वापस अभी घर पे। अरे जींस कहीं नहीं ला, कहाँ जा रहा? जहाँ तू ले जाएगा। ये भैया झूला लगेगा ये नहीं है, जोशीमठ तक जा रहे हैं क्या? गोविंद घाट अभी, यहाँ तो धूप जा चुकी है, 2:30 बज रहे हैं, पुलना में अभी नहीं गई। तो यहाँ पे देखिए आजकल रोड का काम चल रहा है, बार बार वो मलबा निकाल रहे हैं, फेंक रहे हैं, तो यहाँ पे रुकना पड़ रहा है, जैम लग रखा है। तो भाई यहाँ पे देखिए अभी कैंप एरिया पे पहुंच गए हम, जोशीमठ पे। ये देखो कितना खूबसूरत लगता है पूरा कैंप एरिया, यहाँ पे आर्मी वाले भी रहते हैं। ये जोशीमठ मार्केट में भी हम पहुंच चुके हैं, थोड़ा सा मार्केट में काम है, फिर घूमते फिरते सीधा घर जाएंगे। हम ऐसे ही होके आ चुके थे। ये देखो इधर का नजारा खूबसूरत हो रखा है, पहुंच चुके हैं यहाँ पे, ज्यादा भीड़ भाड़ है नहीं। आज ये देखो कैसे बैठ रखा है पूरे बाजार का, मैं गाड़ी से पूरा व्यू ले रहा हूँ। भाई ये क्या है, ये कैसे बैठ रखा तू? ये हमारा स्टाइल है। तो भाई आजकल पहाड़ों में सिर्फ अभी जो है यहाँ पे क्या है, रास्तों का काम लग रखा है, तो अभी घर जाते हुए भी हमें वेट करना पड़ गया। यहाँ पे अभी 15 मिनट हो चुके हैं और आते हुए भी वेट करना पड़ गया, तो ओवर टाइम लग रहा है। देखो पत्थर हटा रहे हैं, हट ही नहीं पा रहा हूँ। सामने जो है ना गोविंद घाट का स्टेशन था पुराना वाला, तो वहां से ये वाली रोड आया करती थी, तो अब जा करके ना फिर से शायद बन रही है रोड, आगे से बनेगी, वहाँ पे बीच में डैमेज है। फिर यहाँ से सीधे दरबार साहब गुरुद्वारे साहब के पास जाएंगे, और यहाँ से है पुलना गांव की रोड। ये देखिए कितनी प्यारी लग रही है, यहाँ से केशव का घर भी दिख रहा है यहाँ से टॉप पे। तो यहाँ से तो नहीं जा सकते, काम लगा हुआ है, बाकी वहीं से बैग घुमा करके मेन रोड से जाना पड़ेगा, क्योंकि मैं परसों बाइक में आया था इस वाली रोड से, मुझे लगा कार के लिए भी होगा, लेकिन कार के लिए अभी जगह नहीं हो रही है, तो शायद जो है ऊपर से ही जाना पड़ेगा ही। तो भाई घर पहुंच चुके हैं, घर पे बैठे इतने सारे मेहमान, देखो ये तो चूल्हे पे ही बिल्कुल रोटी के सामने ये रोने लग गए। क्या हुआ? हाँ क्या हुआ? तो आज तो मैंने चाय भी नहीं पी भाई, चाय तो बची भी नहीं होगी, बची होगी तो गरम करता हूँ, गरम कर लेता हूँ भाई चाय थोड़ा। ये देखो ये तो खड़े इंसान देखते ही रोने लग जाते कि कोई खाने के लिए दे रहा होगा। बोल गए है मिशु, हाँ इधर मुड़ जाते हैं ये, आजकल चूल्हे में ही बन रही है अपनी रोटी,
गैस का थोड़ा कम यूज़ हो रहा है। चूल्हे की रोटी भी अच्छी लगती है, थोड़ा कड़क जरूर होती है लेकिन भाई बढ़िया लगती है। यहाँ पे चूल्हे की रोटी भी खाना अच्छा लगता है। और यहाँ पे देखो भाई, बिल्लियों की मम्मी बैठ गई है गोद में मेरे, ये देख रहे हैं कि भाई गोद में बैठ गए। बिल्लियों को आजकल इतना ठंडा हो रहा है ना, धीरे धीरे एक एक करके गोद में आ रहे हैं। देखो यहाँ पे अभी तीनों के तीनों आ चुके हैं। यहाँ पे आग भी जल रही है ना, तो इस वजह से ये आग के सामने ही बैठे हुए सारे के सारे। खैर अब रोटी भी बन गई और इनको बाहर ही सुलाना होता है, क्योंकि अंदर एक बहुत बार सुलाने की कोशिश करी, 1-2 बजे उठेंगे दरवाजे के पास, इधर उधर सामान फेंक देते हैं रात में बाहर आने के लिए, तो इस वजह से ये बाहर ही सोते हैं। इनको ढका के रखते हैं, गर्मी हो ही जाती है, ठंडा नहीं लगता, एक साथ सोते हैं तो ठंडा नहीं लगता। तो भाई डिनर भी हो चुका है, अब करते हैं सोने की तैयारी और मिलते हैं अगले नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, बाय दोस्तों।